शहरी इलाकों में हर कोई जूझ रहा है कि उनके यहाँ काम वाली बाई नहीं आ रही है, देर से आ रही है, आ ही नहीं रही है। पेपर वाला हॉकर भी नहीं आ रहा है, दूध वाला भी देर से आ रहा है या तो आ ही नहीं रहा है। कारण है, नगर निगम चुनाव शुरू हो चुका है। भीषण संग्राम में सबकी रोजी तय हो चुकी है। कोई 500 रुपये कमा रहा है, कोई 1,000 रुपये कमा रहा है, कोई 2,000 रुपये कमा रहा है। इस कमाई के देखते हुए सारे काम ठप पड़े हैं। हर कोई झंडा बैनर लेकर निकल पड़ा है। जीतेगा भाई जीतेगा, जो पैसा देगा वो जीतेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ भारत योगी। हम बात कर रहे हैं नगर निगम चुनाव की। नगर निगम चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है और नगर निगम चुनाव का महासंग्राम शुरू हो गया है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि जो चुनाव हो रहा है वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो रहा है। किसी भी वार्ड में, किसी भी जिले में, किसी भी शहर में ये जो चुनाव हो रहा है वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो रहा है। लगातार ये बात खुलकर सामने आ रही है कि प्रति व्यक्ति 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये के दर से उन्हें रोजगार दिया गया है, उन्हें रोजी दिया गया है और वो झंडा लेकर चल रहे हैं। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, ऐसा कोई वार्ड नहीं जहां घर पे कोई व्यक्ति होगा। हर व्यक्ति अपने अनुसार, अपने क्षमता अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार 500 रुपये, 1,000, 2,000 रुपये में रोजी में झंडा लेकर निकल गया है। किसी भी राजनीतिक दल का, जो भी राजनीतिक दल उसे 500 रुपये दे रहे हैं उसे झंडा रख रहा है। 1,000 रुपये, 2,000 रुपये तक मजदूरी उनकी तय की गई है। मजदूरी लगाकर, दर लगाकर और रेट तय करके चुनाव लड़ा जा रहा है। लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को इस पर नज़र रखनी चाहिए। सड़कें जाम हो रही है, ऐसा कोई सड़क नहीं है जो जाम हो जा रहा है। रैलियां निकल रही, बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही है। 300, 400, 500, 600, 1,000 लोग रैली में शामिल हो रहे हैं सिर्फ पैसे के दम पर। अगर पैसे के दम पर चुनाव लड़ा जाएगा तो क्या होगा? और वार्ड स्तर पर जो चुनाव में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव का जो खर्च है वो अब वार्ड में ख़त्म हो रहा है और इसका भुगतान कहीं ना कहीं जनता को देर सवेर करना पड़ेगा। इसलिए चिंता है कि जब चुनाव पैसे से लड़ा जा रहा है, सिर्फ पैसे के दम पर लड़ा जा रहा है, तो क्या विकास होगा कि सिर्फ भ्रष्टाचार होगा? तो आने वाले समय में नगर निगम में भ्रष्टाचार होगा। उसका उदाहरण ये खर्च है कि जब लोग लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो इस पैसे को वसूलेंगे किसी न किसी रूप में। तो कड़वा सच है, कोई भी चुनाव धर्म खाते पे नहीं लड़ रहा है। हर कोई चुनाव लड़ रहा है आने वाले समय पे उसकी भरपाई करने के लिए। तो आप सोच लीजिए कि आगे चलकर वार्डों का विकास कैसे होगा जब लोग 500 रुपये, 1,000 रुपये और 2,000 रुपये में किसी भी प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी से बागी लोग खड़े हुए हैं, हर वार्ड में 2 से 3 बागी हैं और सब की ताकत पैसा है। पैसे के दम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, पैसे के दम पर लोगों को अपने पीछे घुमाया जा रहा है। लेकिन इसका नुकसान नगर निगम को होगा, नगर निगम की गरिमा को होगा और वार्ड में विकास बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आप मान कर चलिए कि जब चुनाव पैसे के दम पर लड़ा जा रहा है तो विकास कैसे होगा? इन पैसे की वसूली होगी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भ्रष्टाचार के रूप में।